हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है शर्लॉक होम्स। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 2009 में और इंडिया में ये रिलीज़ हुई थी जनवरी 2010 में। आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 7.6 और इस मूवी को डायरेक्ट किया था गाय रिची ने। तो मूवी की शुरुआत होती है 1890 के लंदन से, जहाँ पर शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन एक केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें एक लड़की की जान बचानी है जिसे लॉर्ड ब्लैकवुड ने किडनैप कर लिया था और उस पर वो ब्लैक मैजिक कर रहा था खुद को ताकतवर बनाने के लिए। इससे पहले कि ब्लैकवुड उसकी बलि दे पाता, तब तक शर्लॉक आकर उसकी जान बचा लेता है। कुछ ही देर में लेस्ट्रेड, जो कि पुलिस वाले हैं और शर्लॉक के अच्छे दोस्त भी हैं, वो ब्लैकवुड को आकर अरेस्ट कर लेते हैं। इससे पहले भी ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मार दिया था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो अभी उस लड़की को मारने वाला था जिसे शर्लॉक ने बचाया है। 3 महीने बाद ब्लैकवुड एक पुलिस वाले पर ब्लैक मैजिक कर देता है और वो मर जाता है। एक ऑफिसर उससे आकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ब्लैकवुड कहता है कि मुझे एक आदमी से मिलना है। ब्लैकवुड दरअसल शर्लॉक से मिलना चाहता था। शर्लॉक जेल में जाता है और उससे मिलता है, जहां वो कुछ ब्लैक मैजिक के मंत्र पढ़ रहा था। लोग उससे बहुत डरते थे मगर शर्लॉक नहीं डरता था। शर्लॉक कहता है कि जब ब्लैकवुड मर जाएगा तो वो उसके दिमाग को खोलकर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे ही शर्लॉक जाने लगता है, ब्लैकवुड कहता है कि मैंने 5 लोगों की जान को सेक्रीफाइस किया था, मगर 3 लोगों की जान और जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ब्लैकवुड शर्लॉक को चैलेंज करता है उन लोगों की जान बचाने के लिए और अब फांसी का दिन आ जाता है। ब्लैकवुड मरने से पहले कहता है कि यह तो बस शुरुआत है और उसे फांसी दे दी जाती है। डॉक्टर वॉटसन चेक करते हैं और उसे मरा हुआ घोषित करते हैं और ये केस यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद शर्लॉक के घर पर आयरीन एडलर मिलने आती है। आयरीन बहुत ही चालाक और साथ ही चोर भी है और जो शर्लॉक को पसंद भी करती थी। आयरीन शर्लॉक को एक केस के बारे में बताती है और उसे कहती है कि जिसमें उसे एक आदमी को ढूंढना है जिसका नाम रियॉर्डन है। इसको बताने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। शर्लॉक आयरीन का पीछा करता है और आयरीन एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी शर्लॉक भेस बदल कर उस घोड़ा गाड़ी के सामने आ जाता है, पर घोड़ा गाड़ी के अंदर से एक आदमी गन दिखाकर उसे दूर हटने को कहता है। घर आकर शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन को बताता है कि आयरीन किसी के लिए काम कर रही है और वो किसी आदमी के कंट्रोल में है। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आता है। वो शर्लॉक को बताता है कि ब्लैकवुड अपनी कब्र में नहीं है और वो अपनी कब्र से बाहर आ चुका है। कब्रिस्तान के गार्ड ने ब्लैकवुड को वहाँ चलते हुए देखा था। उसके बाद शर्लॉक कहता है कि यह तो बहुत ही दिलचस्प रात है, लेकिन डॉक्टर वॉटसन कहता है कि ब्लैकवुड तो मर चुका था, मैंने खुद उसे चेक किया था। अब वो दोनों उसी कब्रिस्तान में ब्लैकवुड की कब्र के पास जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो बॉडी रियॉर्डन की है जिसे आयरीन ने कुछ समय पहले शर्लॉक से ढूंढने के लिए कहा था। उन्हें वहाँ पर कुछ और क्लूज भी मिलते हैं जिसके बाद वो ल्यूक का घर ढूंढने जाते हैं। ल्यूक एक बोना था जिसके पास एक घड़ी मिली थी। शर्लॉक को उस घड़ी की शॉप से ल्यूक के घर का पता मिल जाता है। उसके घर जाने के बाद शर्लॉक को पता चलता है कि ल्यूक भी ब्लैकवुड से मिला हुआ है और वो ब्लैकवुड के साथ मिलकर साइंस और ब्लैक मैजिक के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। शर्लॉक को वहाँ पर एक तांबे के बाउल में बहुत सारे मरे हुए मेंढक दिखते हैं और डॉक्टर वॉटसन को वहाँ पर पेपर पर कुछ सबूत मिलते हैं। उनकी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। उनमें से एक बहुत ही ताकतवर आदमी था। दरअसल ये लोग इस जगह को आग लगाकर इस जगह के सारे सबूत को मिटाने के लिए आए थे, मगर उन लोगों के आने से पहले ही शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। फिर उन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि वो लोग शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को वहाँ से सबूत ले जाने से रोक रहे होते हैं। वो लोग डॉकयार्ड पहुँच जाते हैं जहाँ पर काम चल रहा था। इन लोगों की लड़ाई में काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है और साथ ही एक शिप भी पानी में डूब जाता है। उसके बाद शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन को जेल में बंद कर दिया जाता है, पर कुछ देर बाद मैरी, जो कि डॉक्टर वॉटसन की मंगेतर थी, उनकी जमानत करवा देती है। लेकिन वो शर्लॉक की जमानत नहीं करवाती, वो सिर्फ डॉक्टर वॉटसन की जमानत करवाती है। शर्लॉक वहीं पर रह जाता है। उसके बाद लेस्ट्रेड आकर शर्लॉक की जमानत करवाते हैं और उसे एक न्यूज़ आर्टिकल दिखाते हैं जिसमें लिखा था कि ब्लैकवुड वापस आ चुका है और उसके साथ शैतान चल रहा है। लेस्ट्रेड कहते हैं कि उनकी जमानत किसी बड़े आदमी ने करवाई है। उसके बाद शर्लॉक का मुंह ढककर वहाँ से ले जाया जाता है और अब शर्लॉक के सामने बैठे होते हैं सर थॉमस। शर्लॉक कुछ प्रेडिक्ट करते हैं और कहते हैं
कि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ और कैसे आया हूँ। सर थॉमस की अंगूठी को देखकर शर्लॉक उनका नाम बताते हैं और कहते हैं कि हम इस वक्त टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स में हैं, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी में है, और साथ ही साथ उन्हें ये भी बताते हैं कि ब्लैकवुड आपका ही बेटा है। सर थॉमस इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी को ये बात पता चले। थॉमस शर्लॉक को एक बुक देते हैं जिस बुक से ब्लैकवुड ने ब्लैक मैजिक करना सीखा था, और शर्लॉक से ये कहते हैं कि हमें ब्लैकवुड को रोकना होगा, नहीं तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। और इन सब में वो शर्लॉक की मदद मांगते हैं, और वो शर्लॉक से ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे भी दूंगा, मगर शर्लॉक मना कर देते हैं। उसके बाद शर्लॉक आयरिन से मिलने के लिए जाता है और उसे बताता है कि घोड़ा गाड़ी के सामने जो आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉमस अपने बाथरूम में बाथटब में नहा रहे थे, तब उनकी मौत हो जाती है। थॉमस टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स के सबसे प्रमुख मेंबर थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए शर्लॉक वहाँ पर आते हैं। शर्लॉक को वहाँ पर एक सीक्रेट रूम मिलता है, वहाँ पर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी मिलती हैं, जिसमें से शर्लॉक एक बुक और कुछ चीज़ें अपने पास रख लेते हैं। टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर्स के मेंबर की एक मीटिंग होती है। लॉर्ड कावर्ड, जो कि ब्लैकवुड से मिला होता है, वो कहता है कि अब ब्लैकवुड को सर थॉमस की जगह के लिए नॉमिनेट करता है। लेकिन टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर का दूसरा मेंबर जॉन स्टैंडिश, जो कि सर थॉमस के साथ ही काम करते थे, वो कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि ब्लैकवुड क्या कर सकता है। तभी वहाँ पर ब्लैकवुड आ जाता है और कहता है कि वो अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बनाना चाहता है और फ्यूचर बदलना चाहता है। अमेरिका में सिविल वॉर चल रही है और हम वहाँ पर भी कब्जा करके फ्यूचर बदल सकते हैं और लोगों को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, मगर स्टैंडिश इस बात के लिए मना कर देते हैं और ब्लैकवुड पर गोली चला देते हैं। और जैसे ही स्टैंडिश ब्लैकवुड पर गोली चलाते हैं, वैसे ही उनके शरीर में आग लग जाती है और वो जल के मर जाते हैं। अब ब्लैकवुड को उसके पिता थॉमस की जगह मिल जाती है। शर्लॉक को कुछ क्लू मिलता है और उसे पता चलता है कि नदी के किनारे एक फैक्ट्री है जहाँ पर उन्हें ब्लैकवुड मिल सकता है। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन उस फैक्ट्री में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कोई मशीन वहाँ से हटाई गई है। ब्लैकवुड फैक्ट्री में छिपा हुआ था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन जैसे ही अंदर आते हैं, वैसे ही ब्लैकवुड मशीन को चालू कर देता है, जिसमें आयरिन को बांधकर लटकाया गया था। शर्लॉक और डॉक्टर वॉटसन आयरिन को बचा लेते हैं। उसके बाद शर्लॉक, डॉक्टर वॉटसन और आयरिन एक जगह पर मिलते हैं। शर्लॉक उन मर्डर के बारे में बात करता है जो कि हो रहे होते हैं और जो कि ब्लैकवुड ने किए थे। ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मारा था और उसके बाद बाकी के 3 लोगों को, जो कि टेंपल ऑफ फोर ऑर्डर से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे। फिर वो मैप दिखाता है जहाँ पर बाकी के 3 लोगों के मर्डर हुए थे। मैप पर एक लोकेशन के हिसाब से क्रॉस का साइन बनता है, जिसके बाद उन्हें अपनी फाइनल और आखिरी लोकेशन मिल जाती है, पार्लियामेंट। शर्लॉक को पार्लियामेंट में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी जहाँ पर ब्लैकवुड अपने काम को अंजाम देगा। अब लेस्ट्रेड आकर शर्लॉक को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें लॉर्ड कावर्ड के पास लेकर जाते हैं, जो कि ब्लैकवुड से मिला हुआ था। शर्लॉक कुछ प्रेडिक्ट करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ब्लैकवुड ने पार्लियामेंट के नीचे सीवरेज टनल में कुछ प्लानिंग की है। उसके बाद शर्लॉक पानी में कूद जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर वॉटसन और आयरिन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब तीनों पार्लियामेंट के ठीक नीचे पहुँच जाते हैं, सीवरेज टनल में, जहाँ पर ब्लैकवुड ने अपने आदमियों को काम पर लगा रखा था। वहाँ पर एक बड़ी सी मशीन थी और ये वही मशीन थी जिस पर ल्यूक काम कर रहा था। शर्लॉक कहता है कि यह केमिकल वेपन है जो कि युद्ध के समय दुनिया में तबाही मचा देगा। इसमें जो केमिकल है वो गैस फॉर्म में निकलकर पाइप के जरिए ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, जहाँ पर इंग्लैंड के सबसे पावरफुल और बहुत ही ऊंचे दर्जे के ऑफिसर हैं, और इस गैस की वजह से उन सभी की जान चली जाएगी। और इस मशीन को चलाने के लिए जो कंट्रोलर है वो ब्लैकवुड के पास में होगा, जो कि पार्लियामेंट में मौजूद था। आयरिन मशीन में लगे हुए केमिकल को निकाल लेती है और वहाँ से भाग जाती है। शर्लॉक आयरिन का पीछा करते हुए एक ब्रिज पर आ जाता है जो अभी बन ही रहा था। आयरिन कहती है कि वो शर्लॉक को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन तब तक ब्लैकवुड वहाँ पर पहुँच जाता है। ब्लैकवुड आयरिन से सिलेंडर को छीनकर उसे धक्का दे देता है। अब शर्लॉक और ब्लैकवुड में फाइट होना शुरू हो जाती है और ब्लैकवुड के पैर में एक रस्सी बंध जाती है जो एक लोहे के रोड से बंधी हुई होती है। शर्लॉक कहता है कि तुम्हारे पास कोई काला जादू था ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पास तो कमाल का शातिर दिमाग और चालबाजी थी। सबसे पहले तुमने जिस जेल के गार्ड को पैसे दिए थे उसने नाटक किया था कि तुम्हारे जादू का उस पर कोई असर हुआ है,
दूसरी बात यह, जब कब्र में तुम्हें डाला गया था वो पहले से ही टूटी हुई थी, और जब तुम उससे बाहर आए और बाहर आने के बाद गोंद से उसको वापस जोड़ दिया गया। तीसरा, तुमने अपने पिता के बाथटब के पानी में कॉपर मिला दिया था जिससे उनकी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई और उनकी जान चली गई। इस बारे में मुझे ल्यूक की लैब से पता चला था जहाँ पर उसने मेंढक पर भी वही एक्सपेरिमेंट किया था। चौथा, जब स्टैंडिस ने टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर्स में एंटर किया था तब उन पर केमिकल का छिड़काव किया गया था और उनकी गन के साथ छेड़खानी की गई थी, इसीलिए जब उन्होंने तुम पर गोली चलाई तब उनके शरीर में आग लग गई। और सबसे बड़ी प्लानिंग आज की थी, जो पूरे पार्लियामेंट में केमिकल गैस से सबको मार देना चाहता था, और सिर्फ तुम्हारे लोग ही बचते क्योंकि उन्हें पहले से ही इस गैस का एंटीडोट दिया जा चुका था जिसके बारे में उन्हें पता तक नहीं था, और उन्हें लगता कि तुमने अपनी शक्तियों से उन्हें बचा लिया। अब ब्रिज के ऊपर से ब्रिज का एक पार्ट टूटकर गिर जाता है जिससे ब्लैकवुड को फांसी लग जाती है। शर्लॉक फिर आयरिन के पास जाता है जो अभी भी जिंदा थी। आयरिन कहती है कि मोरियार्टे एक प्रोफेसर हैं और वो उनके लिए काम करती है। मोरियार्टे मेरा वीक पॉइंट जानते हैं इसलिए मुझे उनके लिए काम करना पड़ता है। शर्लॉक उससे उसका वीक पॉइंट पूछते हैं मगर आयरिन उसे कुछ नहीं बताती। बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक फांसी पर लटके हुए थे तब डॉक्टर वॉटसन और मैरी वहाँ पर आते हैं। शर्लॉक जिंदा थे, दरअसल वो बस जानना चाहते थे कि ब्लैकवुड को फांसी लगने के बाद भी वो मरा कैसे नहीं। मिस्ट्री ये थी कि ब्लैकवुड की रस्सी एक बेल्ट से बंधी हुई थी जिसकी वजह से उसके शरीर का भार गले पर नहीं आया, मगर सवाल यह था कि डॉक्टर वॉटसन ने तो चेक किया था कि ब्लैकवुड मर चुका है। वो इसलिए क्योंकि ब्लैकवुड ने एक तरह का केमिकल कंज्यूम किया था जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि सामने वाला मर गया है, मगर ऐसा बस उस केमिकल की वजह से हुआ था। तभी एक पुलिस वाला वहाँ आकर बताता है कि ब्लैकवुड की मशीन की वजह से दूसरा पुलिस वाला मारा गया था। ये काम था मोरियार्टे का, इसने आयरिन को बस एक मोहरा बनाया और मशीन का एक सबसे ज़रूरी हिस्सा निकाल लिया जिससे बिना किसी वायर के उस मशीन को चलाया जा सकता था, जो अब भी मोरियार्टे के पास में है। अब इस मूवी के लास्ट में शर्लॉक कहते हैं कि केस रीओपन, और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।